डगार गांव में घर में सो रही वृद्ध माँ बेटी को चाकू दिखाकर लूटा, टॉप्स छीने तो कट गए कान। आधे घंटे तक संघर्ष करती रही माँ बेटी, बदमाशों से हुई लहूलुहान। सलूमर जलारा थाना क्षेत्र के डगार में रेबारू की टाणी में नकाबपोश बदमाशों ने मकान में सो रही वृद्ध माँ व बेटी को चाकू दिखाकर लूट लिया। बदमाश कानों से सोने के टॉप्स, नाक की नथ, गले की डोटी आदि ले भगे। जेवर छीना जबकि में वृद्धा के दोनों कान कट गए। वृद्धा को चार टाके आए, वही बेटी का एक कान भी चोटिल हुआ। दोनों माँ बेटी चारों बदमाशों से करीब आधे घंटे तक संघर्ष करती रही। इस दौरान दोनों लहूलुहान हो गई। पुलिस के अनुसार मणिदेवी पत्नी लक्ष्मण रेबरी निवासी रेबरू की टाणी ने मामला दर्ज कराया और बताया कि पुत्री उर्मिला देवी खाना खाकर घर के बाहर डालिए में सो रही थी। इस दौरान नकाबपोश बदमाश चाकू लेकर घुस आए। तीन जनों ने पैंट शर्ट पहन रखी थी व एक बदमाश ने धोती पहन रखी थी। बदमाशों ने घुसते ही बेटी उर्मिला की शॉल हटाकर उसके गले से डोटी, एक कान के टॉप्स खींचने का प्रयास किया। इस पर विरोध किया तो धोती पहने बदमाश ने वृद्धा के पास आया और दोनों कानों के टॉप्स और नाक की नथ खींचकर दोनों का वजन करीब 1.5 तोला है और भाग गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर घायल अवस्था में माँ बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर गौरव चौबीसा ने दोनों के कानों पर टाके लगाकर उपचार किया। इधर जलारा थाना अधिकारी रमेशचंद्र परमार ने एसआई किशोर सिंह सक्तावत, कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सूचना अधिकारी गणेशाराम विश्नोई की टीम का गठन कर क्षेत्र में रवाना किया।